नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। यूपी का नाम जुबान पर आते ही योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बुलडोजर का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि सीएम योगी ने गुंडे माफियाओं को जेल की हवा खिलाने के साथ साथ अवैध कब्जों पर इतना बुलडोजर चढ़वाया है कि अब योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाने लगा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता दोबारा संभाली है और योगी के जीत के बाद आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग अपने सिरों पर बुलडोजर का खिलौना रखकर खुशियां मना रहे थे, तो कुछ लोग बुलडोजर को सड़कों पर दौड़ाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। और शायद आपको ये भी याद होगा कि खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके सारे बुलडोजर रिपेयर होने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि 10 मार्च के बाद बचे कामों को पूरा करना है। अब शायद वो वक्त आ भी गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर फिर से अवैध कब्जों को रौंदने जा रहे हैं। जी हां, ये बुलडोजर अब किन इमारतों को रौंदेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जब से दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो हर दिन बड़े फैसले ले रहे हैं। कानून व्यवस्था के मद्देनजर योगी सरकार ने एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने का फैसला लिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ADA ने लखनऊ में एक BSP नेता के खिलाफ अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई करते हुए उनकी 50 करोड़ की इमारत को ध्वस्त कर दिया था। और अब इसी कड़ी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि CM ने निर्देश दिया है कि निर्दोष और कमजोर के खिलाफ कार्रवाई ना हो, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होगी। अब तक हम 25 माफियाओं पर नजर रखते थे, अब 50 माफियाओं पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अवनीश अवस्थी ने आगे बताया कि CM ने निर्देश दिया है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में 100 दिनों तक प्रतिदिन 1 घंटे पैदल गश्त किए जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि बड़े मंदिर वाले हर शहर में साफ सफाई और पीने का पानी अवश्य सुनिश्चित किया जाए। वहीं फर्रुखाबाद से BJP सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। अपने पत्र में मुकेश राजपूत ने लिखा है कि फर्रुखाबाद पांचाल क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था और इसलिए इस जिले का नाम पांचाल नगर किया जाए। मुकेश राजपूत ने अपने पत्र में लिखा कि मुगल शासक फर्रुशियर ने 1714 में भारतीय संस्कृति को नष्ट करते के उद्देश्य से इस ऐतिहासिक नगर का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि कलयुग के हनुमान कहे जाने वाले बाबा नीप करोरी महाराज की तपोस्थली भी यहां पर है। तो इस तरह से योगी दोबारा सत्ता में लौटते ही फुल फॉर्म में दिख रहे हैं और एक बार फिर से अपने बुलडोजर को तैयार कर दिया है। अब देखना यह होगा कि 50 माफियाओं के लिस्ट में किन किन का नाम आता है। आपको क्या लगता है, इस लिस्ट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।